नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट एंड स्पिरिचुअल, आपके साथ मैं हूँ रीना। रत्न शास्त्र को ज्योतिष की बहुत अहम शाखा माना गया है। रत्नों की मदद से कुंडली के निर्बल ग्रहों को मजबूत करके उनसे शुभ फल पाए जा सकते हैं। साथ ही शुभ ग्रहों को और मजबूत करके उनसे मिलने वाले फल को बढ़ाया जा सकता है। रत्न शास्त्र में 9 रत्न और 84 उपरत्न बताए गए हैं। इन सभी 9 रत्नों का संबंध किसी न किसी ग्रह से है। आज हम एक ऐसे रत्न की आपको बात करने वाले हैं आपसे, जो नौकरी व्यापार में तरक्की पाने के लिए अहम माना जाता है। इसे पहनते ही व्यक्ति के भाग्य साथ देने लगता है। बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करने वाला पन्ना रत्न बहुत प्रभावी रत्न होता है। यह रत्न पहनने से जातक की बुद्धि चातुर्य वाक चातुर्य बढ़ता है। साथ ही ये नौकरी व्यापार में तेजी से तरक्की दिलाता है। ज्योतिष में बुध को व्यापार का दाता कहा जाता है। रत्न याददाश्त भी बढ़ाता है। मिथुन कन्या राशि और वालों के लिए रत्न पहनना बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा वृषभ, तुला, मकर, कुंभ राशि के लोग भी पन्ना पहन सकते हैं, लेकिन मेष, कर्क, वृश्चिक वालों को पन्ना बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए। वैसे कोई भी रत्न धारण करने से पहले विशेषज्ञ से सलाह जरूर कर लेनी चाहिए या किसी ज्योतिषियों से सलाह जरूर कर लेनी चाहिए। वहीं कारोबारी, विद्यार्थियों, मीडिया, फिल्म जगत से जुड़े लोगों के लिए पन्ना पहनना बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित होता है। पन्ना को चांदी या सोने की अंगूठी में, हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार के दिन धारण करना अच्छा होता है। बेहतर होगा कि इसे सूर्योदय से लेकर सुबह के 10 बजे तक पहन लें। पन्ना कम से कम 7.25 कैरेट का होना चाहिए। वैसे विशेषज्ञ इसे शरीर के वजन के मुताबिक धारण करने की सलाह देते हैं। पन्ना पहनने से पहले उसे कुछ देर के लिए गंगा जल, शहद, मिश्री और दूध के घोल में डुबो कर रख दे। फिर गंगा जल से धोकर उसे धूप दीप दिखाकर ओम बुम बुध बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके इसे धारण करें। इस दिन बुध ग्रह से संबंधित चीज़ों का दान करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।